गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया इंडियन मनी मार्केट क्या होती है। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इंडियन कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट्स जब हमने कंटिन्यू किया था अपना टॉपिक, तो हमने वहाँ बात की थी कि कैपिटल मार्केट क्या होती है। कैपिटल मार्केट वो मार्केट जहाँ पे आप डील करते हो लॉन्ग टर्म फंड्स में, वो मैकेनिज्म जहाँ पर जो पर्सन जिसने लॉन्ग टर्म लोन लेना है और वो पर्सन जिसने अपना पैसा इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, वो मीट करते हैं। वो पर्सन जिसे लॉन्ग टर्म लोन की डिमांड है, जिसने डिमांड करनी है, उसे हम यहाँ डेप्टर्स कह रहे हैं, और वो पर्सन जो सेवर है उसे हम यहाँ क्रेडिटर कह रहे हैं। तो कैपिटल मार्केट को हम जो डिफाइन कर रहे हैं वो किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर दुग्गल, द कैपिटल मार्केट डील्स इन लॉन्ग टर्म फंड्स बोथ डेब्ट एंड इक्विटी। ये मार्केट डील करती है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में, जिसमें इंक्लूड होते हैं शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। कैपिटल मार्केट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, न्यू इशू मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। कैपिटल मार्केट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, न्यू इशू मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। न्यू इशू मार्केट, जैसे कि नेम से क्लियर है, वो मार्केट जहाँ पे हम न्यू इशू निकाल रहे हैं। न्यू इशू मार्केट में कंपनीज न्यू जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, मतलब जो फर्स्ट टाइम वो सिक्योरिटीज इशू करती हैं, वो न्यू इशू मार्केट में करती है। न्यू इशू मार्केट को हम प्राइमरी मार्केट भी कहते हैं। जैसे अगर कंपनी ने पहली बार शेयर्स इशू किए, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा, जो लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए इंस्ट्रूमेंट्स है, उसे फर्स्ट टाइम अगर कंपनी इशू करती है तो वो न्यू इशू मार्केट में करेगी। सेकेंडरी मार्केट होती हैं जहाँ पे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ हैं, मतलब ऑलरेडी जो पहले इशू हो चुकी हैं, उन सिक्योरिटीज़ में ट्रेड किया जाता है, उन्हें बाय और सेल किया जाता है, तो उसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट का जो अनदर नेम है, दैट इज़ स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज में आप डील करते हैं ओल्ड कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ में, मतलब जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ हैं उनमें, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गिल्ड-एज्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एसेट्रा। कैपिटल मार्केट को जो फंड सप्लाई करता है, सप्लाई का मतलब जो पर्सन उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है, उनको हम लेंडर सेक्टर में इंक्लूड करते हैं, और जो डिमांड करता है उसे हम इंक्लूड करते हैं बॉरोअर सेक्टर में कैपिटल मार्केट के। अब कौन सप्लाई करता है कैपिटल और कौन डिमांड करता है, वो डिस्कस हम करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं लेंडर सेक्टर्स की, जो सप्लाई करते हैं फंड्स। इस सेक्टर में इंक्लूड होते हैं इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस जो प्रोवाइड करते हैं लोन मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पे जब हम लेंडर सेक्टर और बोरोअर सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बेसिकली बात किस चीज़ की कर रहे हैं कि कौन कौन प्लेयर्स हैं, कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट में, कैपिटल मार्केट में। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एक इंस्टीट्यूशन जो है वो सिर्फ लेंडर ही रहेगा और दूसरा इंस्टीट्यूशन सिर्फ बोरोअर ही रहेगा, नहीं। कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी भी टाइम पे लेंडर भी बन सकता है और बोरोअर भी बन सकता है। जैसे सपोज एक कंपनी है, कंपनी को अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो बोरोअर बन जाएगा। अगर कंपनी के पास पैसा पड़ा है और वो उसे इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो लेंडर बन जाएगी। तो लेंडर सेक्टर में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस जो प्रोवाइड करवाते हैं लोन मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें मेनली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सिडबी, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SFC, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI जिसे आप कहते हैं, LIC, GIC, म्यूचुअल फंड, लीज कंपनीज एसेट्रा जो हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट जो है, दैट इज़ बोरोअर्स सेक्टर,
मतलब जो डिमांड करेगा फंड्स की, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स की, इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक है गवर्नमेंट सेक्टर और एक है कॉर्पोरेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में इंक्लूड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को पैसे की डिमांड क्यों है, उसे पैसा क्यों चाहिए, जो भी डेवलपमेंटल नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज गवर्नमेंट करती है उसके लिए उसे कैपिटल की डिमांड होती है। जो भी गवर्नमेंट के अंडर सेक्टर्स आते हैं, जैसे रेलवेज हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट, पावर कॉरपोरेशन, डिपार्टमेंट एंटरप्राइजेस जो हैं गवर्नमेंट के, वो फंड्स बोरो करते हैं कैपिटल मार्केट से। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लोकल पब्लिक बॉडीज रेज कर सकती हैं लोन्स बाय इशूइंग मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एसेट्रा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिल्ट एज सिक्योरिटीज भी कहा जाता है। गिल्ट एज का मतलब है रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, क्योंकि इन्हें गिल्ट एज क्यों कहा जा रहा है, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी डिफॉल्ट नहीं करती है इन द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर में बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक कॉर्पोरेट सेक्टर्स को हम यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं। डिमांड कर सकते हैं वो लॉन्ग टर्म फंड्स, वेरियस रीजंस हो सकते हैं, कंपनी को डाइवर्सिफाई करना है, एसेट्स खरीदनी है, तो उसके लिए वो मोबिलाइज कर सकती है लॉन्ग टर्म फंड्स को। कैसे? इशू करके शेयर्स को, डिबेंचर्स को, बोरो करके डेवलपमेंट बैंक से, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन से, पब्लिक डिपॉजिट्स अट्रैक्ट करके जनरल पब्लिक से। इस तरीके से जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो लॉन्ग टर्म फंड्स को कलेक्ट कर सकता है। तो ये था हमारा टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट्स का। नेक्स्ट जो हमारा सब कंपोनेंट आता है फाइनेंशियल सिस्टम का, दैट इज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं जो भी इंस्टीट्यूशंस, जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व हैं प्ले करने में रोल एज अ इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी मतलब जो बीच का पर्सन होता है, जो बायर और सेलर को मिलाता है, उसे हम इंटरमीडियरी कह सकते हैं। तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या काम करते हैं? वो फंड्स को चैनलाइज करते हैं। चैनलाइज करने का मतलब फंड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में चैनल बनते हैं, जो सरप्लस यूनिट से डेफिशिएंट यूनिट्स की तरफ। अगर आपको याद होगा, जब हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन जब हम अपने सब्जेक्ट का हमने किया था, तो वहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, जहाँ पे हमने बात की थी कि हाउस होल्ड्स होते हैं जो सरप्लस यूनिट्स होती हैं, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है वो डेफिशिएंट यूनिट्स होती हैं। जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं वो चैनलाइज करते हैं फंड्स को सरप्लस यूनिट से डेफिशिएंट यूनिट्स तक। वो फैसिलिटेट करते हैं कि स्मूथ फंक्शनिंग हो फाइनेंशियल सिस्टम की, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड करवाते हैं इन्वेस्टर्स और बोरोअर्स को। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक है, जो नॉर्मल हाउस होल्ड है उसके पास पैसा पड़ा है, उसने उसे बैंक में जमा करवाया, बैंक अब उस पैसे का क्या करेगा? बैंक उस पैसे को आगे लेंड कर देगा, लोन की फॉर्म में जो इंडस्ट्री है उसको वो दे देगा। तो बैंक क्या बना? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बना, जो चैनलाइज कर रहा है सरप्लस यूनिट का। हाउस होल्ड ने जो पैसा जमा करवाया उसको चैनलाइज कर रहा है सरप्लस यूनिट का पैसा, किसको? आपके डेफिशिएंट यूनिट्स को। डेफिशिएंट यूनिट्स मतलब इंडस्ट्रियल यूनिट्स, जिसने जिसे पैसे की डिमांड है। तो जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है वो चैनलाइज करती है फंड सरप्लस यूनिट से डेफिशिएंट यूनिट्स। एग्जाम्पल हम दे चुके हैं, इसमें बैंकिंग सेक्टर इंक्लूड होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसमें इंक्लूड होते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं इसको। पहला हम जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में हम इंक्लूड करते हैं बैंकिंग सेक्टर को और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दो टर्म्स हैं। ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज वो इंटरमीडियरीज होती हैं जिन्हें कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल मतलब उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट के, आरबीआई के, या किसी और
जो रेगुलेटरी बॉडी है उसका, तो उसे हम ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कहेंगे। तो जो हमारा ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, इसमें हम बैंकिंग सेक्टर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन बैंकिंग सेक्टर की। सबसे पहले बैंक क्या होता है? आप किस ऑर्गेनाइजेशन को बैंक कहेंगे? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपने आप को बैंक कहलाना है तो उसे दो मेन फंक्शंस करने पड़ते हैं। वो क्या है? एक, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स पब्लिक से, दूसरा उन डिपॉजिट्स को लेंड करना। लेंड करना मतलब लोन की फॉर्म में उस डिपॉजिट्स को देना। तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स पब्लिक से, मोबिलाइज करता है उनकी सेविंग्स को और कस्टडी रखता है उनकी सेविंग्स की। जो डिपॉजिट्स हैं, जो पर्सन है जिसका डिपॉजिट है वो विड्रॉएबल होते हैं, उसे निकलवा सकता है। लेंड करता है मनी उनको जिनको ज़रूरत है, और इस तरीके से वो एजेंसी फंक्शंस भी परफॉर्म करता है और क्रेडिट भी क्रिएट करता है। क्रेडिट क्रिएशन बैंक कैसे करता है, इसका फुल फ्लेज चैप्टर आगे आप अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। तो अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग देखें तो हम किस इंस्टीट्यूशन को बैंक कहेंगे? बैंकिंग कंपनी इज वन विच ट्रांजेक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग कंपनी कौन है? वो जो बैंकिंग का बिजनेस कर रही है। इसका मतलब विच मीन्स द एक्सेप्टेंस फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब जो एक्सेप्ट कर रही है डिपॉजिट किस पर्पस के साथ, कि वो उस पैसे को आगे लेंड करेगी या इन्वेस्ट करेगी। ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, किसका? जो डिपॉजिट उसने पब्लिक से लिया है। रिपेबल ऑन डिमांड, जो उसे वापस पे करना है, जब भी जिसने जमा करवाया है पैसा वो उसे डिमांड करेगा, और अदरवाइज एंड विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट ऑर्डर और अदरवाइज, या उसे वो अदरवाइज विड्रॉ कर सकता है चेक से, ड्राफ्ट ऑर्डर या किसी और तरीके से। तो इंडियन बैंकिंग सेक्टर में मेनली इंक्लूड हम किन किन को करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स, कॉपरेटिव बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स। अब इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक क्या क्या होता है? सेंट्रल बैंक हम किसको कहते हैं? वो इंस्टीट्यूशन जो कंट्रोल करता है बैंकिंग सेक्टर को इकोनॉमी में, वो सेंट्रल बैंक होता है। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सेंट्रल बैंक है कंट्री का। एस्टैब्लिश हुआ था 1935 में, इसे नेशनलाइज किया गया था 1949 में। इसका जो हेड ऑफिस है वो है मुंबई में, और गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये कंट्रोल करता है एंटायर बैंकिंग सिस्टम को इंडिया में। तो फॉर्मुलेट करता है, कैसे कंट्रोल करता है? फॉर्मुलेट करता है, रेगुलेट करता है इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी को। इसके जो मेन फंक्शंस हैं, सबसे पहला जो फंक्शन है दैट इज इशू ऑफ करेंसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मोनोपोली है, मतलब वो सिंगल इंस्टीट्यूशन है जिसके पास पावर है करेंसी नोट्स को इशू करने की, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स को। जो रिजर्व बैंक है वो इशू करता है नोट्स 2 रुपए के, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोट्स को। एट प्रेजेंट जो RBI है वो कॉइन्स भी इशू करता है, 2 रुपए का, 5 रुपए का और 10 रुपए का। देन नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है दैट इज रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट। ये हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।